है प्रगति आपके साथ। और हम आपको बता दें कि अभी हम गुड़ारू प्रखंड के गया डिस्ट्रिक्ट के ग्रोना पंचायत के पलाकी सखी गांव में मौजूद हैं। और यहां पे एक ऐसी घटना हुई है जिसे जानकर शायद आप सब भी हैरान रह जाएंगे। ये जो भी आप जनसंख्या देख रहे हैं ये किसी नेता विधायक या किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, ये एक मुखिया प्रत्याशी के लिए है और इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ। हमारे साथ हुआ कि फर्स्ट में काउंटिंग के टाइम में मुझे मिला पदाधिकारी द्वारा कि आप चुनाव जीत गए जी, आप बैठिए, जबकि फर्स्ट पोजीशन हम हैं, गुप्तेश्वर यादव थर्ड में है, शंभू यादव सेकंड में है। जी जी, बैठ गए हम मतगणना से निकल कर बाहर बैठ गए। 10-20 मिनट के बाद हमने पूछा कि मेरा क्या प्रगति है, वो बोले कि अभी तो पेपर तैयार हो रहा है, आरओजे बिजुन गया है, जोरवर बिजुन गया है, पेपर तैयार हो रहा है, इतना जल्दी क्यों बका रहे हैं, बैठिए। हमने बैठल थे। सर आप जब वहाँ पे गए थे जब वोट का काउंटिंग हो रहा था तब आपके साथ और कोई वहाँ मौजूद थे? हमारा मनोज कुमार थे ये मौजूद थे। तो आपको आपको क्या वहाँ से प्रतिक्रिया मिली, आप क्या वहाँ से जाने? हमने काउंटिंग के दरमियान हम लोग को यही सूचना मिला है कि पदाधिकारी अंदर से काउंटिंग रूम में से आया जी। और बोला कि सुरेंद्र कुमार पासवान चुनाव जीत गए हैं, आप बैठिए स्थिर से, आपका पेपर तैयार हो रहा है। 2 घंटे तक हम लोग बैठे हुए थे, बैठला के दरमियान फिर हम लोग को पेपर नहीं मिला। कोई फिर स्टाफ होकर बोलता कि नहीं सुरेंद्र कुमार पासवान चुनाव तुम हार गया, तुम अब जाओ यहाँ से। तो आप लोग उस टाइम क्यों नहीं, ये सब जो भी अभी हो रहा है आप लोग उस टाइम क्यों एक्शन नहीं? वो जगह ऐसा है कि 3 किलोमीटर गेट से अंदर में है, हम लोग 2 प्रत्याशी जोड़े एक जाता है, एक सहयोगी मतगणना वाला, वहाँ हल्ला क्या करिएगा, दबंगता के सामने कुछ चलेगा, हमको दलित समझ के कोई चारा नहीं। तो आपका ये कहना है कि आप दलित हैं इसके इसलिए आपके साथ गलत जुल्म हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। चाची एक बात बताइए, ये जो मुखिया है इनके साथ क्या हुआ? इनको साथ गेम खेला गया है, हमारा मुखिया जीते हुए थे क्योंकि जब निकले जब वहाँ पर बोला गया कि आपका मोती जीत हो गया तो 5 मिनट के बाद चले आधा घंटे के बाद क्यों ऐसे कहा कि आप हार गए, क्या हुआ? 2 घंटा तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाली हैं? मुखिया जीता सुनने कि जीत रहे हैं और सब अथी कर रहे हैं, माला पहनाने का तैयार हुआ और तानी सुनने कहा कि हार गया। तो हार गए तो हमको मुखिया जी के सर्टिफिकेट चाहिए और मुखिया जी हमको सुरेंद्र मुखिया चाहिए, यही मुखिया चाहिए, इन्हीं को सर्टिफिकेट होना चाहिए और इन्हीं को जीत होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। ये घपलत हुआ है, हमको मुखिया साहब अन्याय हुआ है, हम लोग दलित हैं तो क्या हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम लोग का मांग है सुरेंद्र मुखिया के सर्टिफिकेट चाहिए और मुखिया हमको रौना पंचायत का सुरेंद्र मुखिया चाहिए और किसी को नहीं है। ये हमारे मुखिया जीते हुए हैं, ये मुखिया हारे नहीं है, ये जीतन पार्टी है, ये इनके साथ एनसी पार्टी नहीं होना चाहिए। बात ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ जहाँ चुनाव काउंटिंग हो रहा था हम वहाँ भी पहुँचे, वहाँ पे हमें शुरुआती रुझान में ये खबर मिला कि जो सुरेंद्र पासवान हमें विजयी घोषित कर दिया गया, वहाँ जो काउंटिंग मास्टर कर रहे थे उन्होंने भी हमें फ़ोन करके सूचित किया कि वो विजयी घोषित कर दिए गए, अनाउंसमेंट तक के हो गया कि वहाँ पर वो विजयी घोषित हो गए। लेकिन इसी दौरान हमसे थोड़ी सी चूक हुई हमारे प्रत्याशी से कि वो 10 मिनट के लिए समर्थकों से मिलने के लिए बाहर निकले और इसी दौरान 10 मिनट में सारा खेल बिगाड़ दिया गया वहाँ पर कि वो 10 मिनट के लिए बाहर निकले और जो प्रत्याशी थे हारे हुए अभी गुप्तेश्वर यादव जो थर्ड नंबर पे चल रहे थे, सेकंड पे शंभू सिंह थे शंकर बिहार के, तो वो और उनके बेटे पप्पू दोनों वहीं पे ईवीएम के पास बैठे हुए थे, सुरेंद्र जी बाहर निकल गए और यही 10 मिनट का सारा खेल है कि 10 मिनट में सारा गेम को पलट दिया गया। एक और बात सुनने में ये भी आ रहा है कि जो वार्ड से थे उनके साथ भी गलत, तो वो कहा है हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपके साथ क्या हुआ है? मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ कि जब मेरी वाइफ आप वार्ड से खड़ा थे, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत पासवान। आपकी वाइफ का क्या नाम? बिंदु देवी हुआ नाम। अच्छा, क्या हुआ आपकी? जब काउंटिंग जब होने लगा तो काउंटिंग जब क्लियर हो गया तो सबसे पहले 2 बार बिंदु देवी का आप भी दलित हैं? हाँ दलित हैं।
अच्छा, दलित तो ये दलित को चुन चुन के ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब ये पहले बताइए, हमको कहने का मतलब है कि जब बिंदु देवी का नाम दो बार ओपन हो चुका कि बिंदु देवी जीत गई है, दो बार बोला गया, उसके बाद तीसरा आदमी जो बेंच पर बैठा हुआ था वो बोल रहा कि नहीं शीला देवी जीती है, जो कि काउंटिंग करने वाले थे वो बोले कि बिंदु देवी जीती है। मेरी वाइफ आई थी, मेरी वाइफ ऑब्जेक्शन भी डाली है, ये कैसे हो सकता है जब मेरा नाम आया उसके बाद ये तीसरा आदमी कैसे बीच में आ गई, अब सिर्फ दो वोट से यहाँ फिर तो भी बहुत बड़ा। आपने रिकाउंटिंग कितने बार करवाया? रिकाउंट नहीं हुआ जब हमारा आदमी एक पहुँचा वहाँ पर, आप लोग का रिकाउंटिंग नहीं हुआ। जब रिकाउंटिंग के लिए हम लोग मांग किए तो बोल रहा कि मशीन रखा गया, रिकाउंटिंग नहीं होगा।